इस दुनिया में हम पैदा होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। अगर हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बन पाए, तो हमारे पैदा होने का कोई मतलब नहीं। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र है। दिल्ली में रिपब्लिक डे उत्साह से मनाया गया। पुलिस वालों ने सराहनीय काम किया है। दिल्ली में रिपब्लिक डे फंक्शन शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। पुलिस वालों के सराहनीय कार्य को होम मिनिस्टर ने तारीफ की है। मुंबई में सेंट्रल से जो एनएसजी कमांडो मंगाए गए हैं, उन्हें मुंबई के तमाम इलाकों में तैनात कर दिया गया है। मुंबई में खास तौर से सावधानी बरती जा रही है। समाचार समाप्त। लोगों की भलाई के लिए, गरीबी दूर करने के लिए सरकार दिन रात लोगों को बेवकूफ बनाती रहती है। पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलना हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारा अगला वार होगा दिल्ली। सरकार की कुर्सी हिलाने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। साथियों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये उसी रास्ते का नक्शा है जहां से पुलिस फोर्स की वैन अभी थोड़ी देर में ही गुजरेगी। 75 किलोमीटर की दूरी पर इंडिकेटर के पास हमारे लोगों ने बम लगाया है। किसी भी सूरत में ये टारगेट मिस नहीं होनी चाहिए। चाहे भले ही हमें अपनी जान देनी पड़े, मगर वो नहीं बचने चाहिए। तुम लोगों को पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बम ब्लास्ट एक्सपर्ट आकर तुम लोगों से मिलेगा। तुम लोग जाकर तैयारी करो। मैं आता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है सर, आप संभाल कर चलिए। बाय बाय। एक बिस्तरी दो। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब भी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा सबसे प्यारा। हेलो, देश हमारा। हाँ, मैं आता हूँ।
हाँ बॉस, हम लोगों ने गाड़ी अरेंज कर ली है, 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर पुलिस वैन से टकराकर मैंने पुलिस को आगे जाने से रोका, नहीं तो सारी फोर्स तबाह हो जाती। इस तरह से मैंने अपना दिमाग लगाया और सबकी जान बचाई। आपकी बहादुरी को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सिटीजन पुरस्कार देने के लिए रिपब्लिक डे का दिन चुना है और राष्ट्रपति के हाथों से ये आपको पुरस्कार मिलने वाला है। शायद आपको पता होगा, बधाई हो। ओह थैंक यू। ये अवार्ड न्यूज़ आपको कैसी लगी? हाँ हाँ, वो तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। दैट्स गोइंग टू बी ए ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। उस दिन का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। मुझे वैसे अवार्ड की खुशी से बढ़कर जो मैंने पुलिस फोर्स की जान बचाई उस बात की खुशी ज्यादा है मुझे। आपके इस काम से पूरे देश के लोग खुश हैं। आपकी इस बहादुरी को देखते हुए हम एक आर्टिकल चालू करने जा रहे हैं। नक्सलवादियों का अटैक आप पर होने वाला था, आपको पता था? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? आगे क्या होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? वो क्या है ना, इस बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम भरत, मैं एक अनाथ हूँ। बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ। मेरा बचपन भी इतना कोई खास नहीं गुजरा। मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस समाज ने मुझे नई जिंदगी दी। इसीलिए मैं इस समाज के लिए हमेशा अपनी जान देने को तैयार रहता हूँ। इसीलिए उस दिन मैंने ये हिम्मत दिखाई। फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छी सैलरी, लाइफ सेटल है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए इतना बड़ा घर, स्टेटस भी सब कंपनी का दिया हुआ है। रुपया नहीं, पैसा चाहिए। हमको आइसक्रीम और चॉकलेट भी चाहिए। ओ, तुम लोग हो? हाँ हाँ, पहले नीचे करो। ओ, ओके ओके ओके, कूल कूल कूल, देता हूँ। ये लो चॉकलेट आइसक्रीम खरीद लेना। ओके एंजॉय, बाय, सी यू, बाय। हे मैन, या कंप्यूटर गेम खेलने के लिए? कैच। मुझे बच्चे लोग बहुत पसंद हैं। ऑफिस से आने के बाद ये बच्चे लोग ही मेरे दोस्त हैं। आपके पास आप पहले। थैंक यू सर। तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। टीवी में, पेपर में, पब्लिक में, सब तरफ तुम्हारी चर्चा है। अरे आजकल तो हर आदमी डरपोक है, लेकिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अगर मेरी कोई लड़की होती ना तो मैं उसकी शादी तुमसे करता।
एक रेडी, चाकू रेडी, आ जाओ सब लोग, सब लोग जल्दी जल्दी आओ, भरत डार्लिंग जल्दी आओ, कम कम कम, लड़की सब लोग इधर आइए, हाँ भरत ये लो चाकू और केक काटो, हाँ जल्दी काटो, हाँ जल्दी, हाँ अरे भरत मेरा जिगरी दोस्त है, पहले मुझे केक खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, खिलाओ मुझे भी, मुझे भी खिलाओ। ये मेरा वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड है, अनाथ आश्रम में दोनों एक साथ बड़े हुए और दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ वही है और उसके लिए मैं हूँ, ऑफिस, फ्रेंड्स और बच्चे लोग, किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, कभी कभी ये जो हैं इनके साथ खेलना, यही मेरी छोटी सी दुनिया है। Come on, get in, get in. What is your name? Soumya. कौन सा स्कूल? Saint Mary School. Oh. Lift, please. Oh, yeah, sure. Thank you. Seat belt. Now we are ready to take off, okay? Okay. Uncle, AC on कीजिए ना please. आप क्या करते हो अंकल? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेटा. आपकी वजह से तो महंगाई बढ़ रही है और आपको रोकने के लिए 10-10 बार कहना पड़ता है हम लोगों को. Sorry. आप चुप क्यों हो गए अंकल? अगर तुम लोग रोज लिफ्ट मांगोगे तो मैं रोज आऊंगा. हे hey, ये लो बच्चों चॉकलेट्स. थैंक यू दीदी. वेलकम. अंकल अंकल स्टॉप 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 मेरा स्टूल आ गया. संभाल के बेटा. बाय दीदी. बाय बाय बाय. आपको किधर उतरना है बता दीजिए, मैं उधर ड्रॉप कर दूंगा. नो थैंक्स. शहर में बच्चों की किडनैपिंग बढ़ गई है इसलिए मैं बच्चों के साथ आई. एक्चुअली ना मेरे पास मेरी खुद की स्कूटी है. बाय. लाल लाल. अरे रखो रखो इसे रखो, ये कॉफी मेरे लवर के लिए है, ये पानी तुम्हारे लिए, लो बट लो जाओ. उसको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मगर क्रिकेट सारे भाषा के लोग देखते हैं, उसी तरह हमारे ऑफिस में भी सभी लोग मिक्सर है. अब मैं जल्दी से लवर पटाता हूँ. ये कॉफी ये आपके लिए है. What? 2 महीने सोचने के बाद ये लव लेटर आपको दे रहा हूँ. यू रीड इट, आई वेट. आप जरा संभल के पढ़िए. माई डियर चश्मिश, तुम जिस दिन चश्मा उतार दोगी ना, मैं तुम्हारी डोली नहीं आऊंगा. तुम्हारी ये जो होंठ है ना, होंठ वो मॉनिटर के माउस की तरह है. देखो मिस्टर, लड़कियों को पटाने के लिए चश्मा उतारना नहीं पड़ता, चश्मा पहनना पड़ता है. मुझे चश्मे के साथ बहुत ऑफर है. ओके. क्या आपने बुलाया? मैंने नहीं, उसने. वो बुला रही है. इस ऑफिस में सब बुलाते हैं, बस तुमको छोड़कर सब मरते हैं, तुम कब मरोगे? मुरली एक मिनट आया. अच्छा बोलो क्या काम है? मुरली मुरली प्लीज, मेरा एक काम कर दोगे? मैं यहाँ तक आ गया, यही बहुत बड़ी हेल्प है. बोलो. भरत को मैं एक पार्टी देना चाहती हूँ. भरत को पार्टी में क्यों, किस लिए? अरे यार समझता क्यों नहीं, उस दिन मेरा बर्थडे है. भरत को तुम्हारा बर्थडे? फर्स्ट को पैदा होती तो अच्छा होता. मतलब तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अरे ओके 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 ओके, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. आओ भरत से मिलाता हूँ तुमको. भरत. May I coming sir? आना रे. आप कुछ काम कर रहे हैं ना? अरे आना यार. अरे सर इस ऑफिस में मैं पीउन हूँ ना. अरे नाटक बंद कर आना. अच्छा अच्छा एक्स्ट्रा. अपनी मैडम का आज बर्थडे है, आपको पार्टी में बुलाया है. यस. अरे ये क्या है, जरा बताओ ना मुझे. सुनो. अरे सर कुछ भी तो नहीं. सुन तो ले जरा. ओहो ये बताना है मुझे, कुछ पर्सनल बात करनी है, एक मिनट रुकिए. हाँ बोलो. ओके ओके ओके, अकेले आने के लिए डर रहे हैं इसलिए मुझे साथ में आने के लिए कह रहे हैं. तुम्हारी क्या जरूरत है? क्योंकि बर्थडे ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री. कबाब में हड्डी नहीं चाहिए. इतना तुम डरते क्यों? तुमने जो साहस दिखाया इसलिए ना मैं पार्टी देना चाहती हूँ और तुम डर रहे हो. जी तुम औरत से डर रहे हो.
आप सही कह रही हैं। अरे यार तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, तू हैंडसम आदमी है, इसलिए लड़कियां तुझ पर मरती हैं, तुझ पर जान छिड़कती हैं, इसलिए एक लड़की सेट कर ले और उससे शादी कर ले। हाँ इसको इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो अहेड, पता है ना? अरे मेरी बात छोड़, पहले ये बता कि तेरी बात कहां तक पहुंची? मेरा प्यार मल्टी रनिंग में है, रनिंग में। ऐसा तो नहीं प्यार रनिंग में है या लड़कियां ही भाग रही हैं? अरे तू अपना मुंह बंद कर, प्यार रनिंग में है यार। ओके ओके, तुझको तो गुड पर्सनालिटी मिली है, खूबसूरती मिली है, इसलिए मोटापा ज्यादा चढ़ गया है। मतलब चर्बी। रुक, सॉरी, इट्स ओके। हेलो, आप कैसी हैं? मुझे नहीं पहचाना, उस दिन कार में, लिफ्ट, छोटे बच्चे, किडनैपर। उस दिन वहां मिले, आज अचानक यहां मिले, सरप्राइजिंग है ना? आप शॉपिंग करने आई हैं? क्या खरीदा? ग्रेट, इतने बड़े मॉल में आकर आपने ये खरीदा। आज आपका जन्मदिन है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नहीं, थोड़ी देर आपका मुंह बंद करने के लिए है। क्या रे, क्या हुआ? क्या हुआ? वो लड़की वो अपने आप को समझती क्या? क्या समझती है? मैं उससे बात करता हूँ तो वो बात नहीं करती। नहीं बात करती तो बात करो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैंने हेलो किया, जवाब ही नहीं दिया। पूछा कैसे हो, जवाब नहीं दिया। जी जी जी, वो अपने आप को समझती है। लेकिन ये बताओ कि मिले कहाँ? अरे वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। सही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में कोई घरेलू लड़की बात करती क्या? बताओ, तुम्हारे जैसे बेशर्मी बात करती। रुको, गुस्सा मत हो। तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी वाले को कोई लड़की छोड़ेगी क्या? अगर तू किसी सीक्रेट प्लेस पे मिलेगा तो सिर्फ मिलेगी ही नहीं, चुम्मा भी देगी तुझे, चुम्मा। फिर भी मैंने वापस से कोशिश की। हेलो, आप शॉपिंग करने आई हैं क्या? अरे बात करने का मौका नहीं दिया, मुंह में लॉलीपॉप घुसा दिया। लॉलीपॉप? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तू हंस रहा है? सॉरी। अरे तू कुछ नहीं समझ रहा यार, उस लड़की के पास जरूर कोई जादू है, इसलिए उसने तुझे लॉलीपॉप दिया। अरे मारू क्या? ओके ओके, सॉरी। तू अब तक उसकी 50 बातें सुन चुका है। अरे योगी को भोगी बनाने वाली उस लड़की में जरूर कुछ न कुछ जादू है। 40 मिनट के अंदर तेरी लाइफ में जरूर कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा। डेफिनेटली उस लड़की में जादू है। उसके पास कुछ न कुछ तो है। कुछ तो है, लॉलीपॉप। Don't worry, your parents will definitely come. Hey, Didi, बहुत मजा आ रहा है ना? Cover your head. गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई. आजा आजा, जल्दी आजा, गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ. इनका स्कूल फंक्शन में बुलाया और ये 1 घंटे बाद आ रहा है. इनको तो कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है. बाय दीदी. दीदी ने हमको बारिश से बचाया. दीदी हमारी वजह से भीग गई है. सॉरी दीदी. सॉरी नहीं, थैंक्स कहो. हमारी वजह से दीदी को तकलीफ हुई, इसलिए हमने सॉरी कहा. अब तुम थैंक्स बोलो, बोलो जल्दी थैंक्स. अच्छा तो थैंक्स. थैंक्स तो मैं कहूँगी, अगर आप लिफ्ट देंगे तो. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं. एक्चुअली आज मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम हो गई है. प्लीज गेट इन. थैंक यू. अब हम चलें क्या? हम लोग बारिश में भीग रहे थे और ये मस्ती में गाड़ी से आ रहे थे. लगता है बहुत शांत स्वभाव की है. नहीं ऐसी बात नहीं है. आई एम भरत, मैं एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हूँ. समीरा, फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही हूँ. आपकी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, आप कहाँ से आई हैं? हिंदी ठीक नहीं है क्योंकि मैं बैंगलोर से हूँ. फादर रिटायरमेंट के बाद स्टडीज कोर्स के लिए मुंबई आई हूँ. इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे घर पर चलकर कॉफी पी सकती हैं, ये बच्चे लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे. इट्स ऑलरेडी 6:30. Maybe next time. नहीं, आपको चलना पड़ेगा, चलना होगा. Okay. दीदी घर में आई ना तो भगवान जी ने ऊपर से फोटो खींचा. ए दीदी, चल अंदर. आ जाओ, अंदर आ जाओ. अरे लाइट तो खुलेगी. लाइट. Be seated.
इट्स ओके। बच्चों अंधेरा है, सावधानी से, नहीं तो गिर जाओगे। दीदी टावल, थैंक यू। भूख लग रही है क्या? अब भी मैं नूडल्स बनाता हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो? बहुत बड़ा धोखा है ये। कोई बात नहीं, मैं कुछ नया ट्राई करके बना के लाती हूँ। थैंक यू। ओह वाओ, ये तो मेरी पसंद है। ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? सच बताऊं? मैं माइंड रीडिंग कर सकती हूँ। मैं मजाक कर रही थी, एक्चुअली मुझे बस यही बनाना आता है। ओह आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि कोई लड़की मेरे घर पर पहली बार आई है। ओ, तुम? इसका मतलब आप मुझे लड़की नहीं समझते हैं ना? हाँ, तुमको स्पून चाहिए ना? लो, जल्दी खाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, खाओ खाओ। दीदी आपका फोन नंबर तो दो ना। 9892688369। अंकल दीदी का नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया। बाय बाय। मैं भी चलती हूँ। आप जा रही हो? थैंक्स फॉर योर गुड फूड। यू मोस्ट वेलकम। चलिए बाय। मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वापस बारिश? बारिश का मौसम है तो बारिश रोज आ सकती है। या मैं भी आँख खोलकर इंतजार करूंगा। वैसे ये मौसम तो बना है। क्या हुआ तेरे लव मैटर का? वो प्यार में पागल होने वाला है। पर्सनल प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके। कबाब में हड्डी कहाँ से आ जाती है? ये लो, दिस इज फॉर यू। ये सब क्या है? लव बॉक्स। लव बॉक्स? यस। इतना छोटा क्यों है? ये दिखने में छोटा है लेकिन ये है बहुत गहरा। गहरा है क्या? देखते हैं। ये क्या कचरा जैसा भरा हुआ है? कचरा मत बोलो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा खाया हुआ चॉकलेट का कवर, आइसक्रीम पार्लर में खाई हुई आइसक्रीम का खाली बॉक्स, ये वो कंघी है जो तुम रोज ऑफिस में करती हो, ये तुम्हारे लिपस्टिक को पोछने वाला टिश्यू पेपर, ये चिप्स का रैंपर जो तुम्हें थिएटर में अच्छा, मिला ये था। बात है, मगर ये सब क्या है? तुम्हारे कपड़े से निकला रेशम मैं संभाल के रखा हूँ। ये रहा रमेश भाई, ये सीढ़ी कैसी है? उस दिन तुमने पार्टी में पीकर मुझे बहुत गाली दी थी ना, उसको मैं शूट कर लिया हूँ। बाहर से तो तू बहुत शरीफ लड़का दिखता है और मेरी जानकारी के बिना तूने वीडियो ले लिया। तुझसे संभल कर रहे ऐसा मैं सबसे बोल दूंगी। जाने दो ना, अब क्या करना? तूने अभी अभी तो एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट के लिए वेट करो। मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। ये सब तुम्हें दिखाने के लिए लाया था, तुम खुश हो ना? अब मैं जा रहा हूँ। ले जाओ ले जाओ। ये जूस भी तुमने पिया था ना? दैट्स ओके।
इसे क्या हो गया, क्यों टेंशन में बैठा है? अरे क्या बात है, बताओ बताओ। समीरा, समीरा रेड्डी ये फिल्म की हीरोइन है। तुझे ज्यादा दिख रहा है। नहीं है, समीरा अग्रवाल, समीरा मेनन, एकदम 25%। अरे कोई बात नहीं है, एक मिनट रुको। ऐश्वर्या बच्चन, मैं ललन, सी माई लव परसेंटेज 95%। अरे यार इस सिस्टम पे भरोसा मत रखो, मोबाइल पे भरोसा रखो, एकदम सामने बात होती है, आमने सामने। हाँ एक मिनट रुको। अरे अरे रुक तो सही, कनेक्ट हो रहा है, रुक। क्या कर रहा है तू? अरे तेरा लव मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मिस कॉल किया है। हाँ ये एक आइडिया तेरे जीवन को बदल के रख देगा। टंग टंग, शीज ऑन द लाइन, फोन आ गया, शीज ऑन द लाइन, फोन आ गया। कुछ तो है, कुछ तो इसमें, कुछ तो बात है, कुछ तो है, कुछ तो बात है। हाँ कुछ तो बात है इसमें। हेलो, जाने जाना है ये कहना, मेरे दिल में ही तू ही रहना, तू ही खुशियाँ, तू ही दुनिया, मेरी आँखों में तेरा सपना, संग रहता है जो तेरा, छट जाता हर अंधेरा, तू ही हम सफर है मेरा, दूर मुझसे तू न रहना, तू इस जहाँ की नूर परी है, तू ही मेरी है दुनिया, है तेरे लिए ही मेरा जीना, तेरे लिए ही मरना। जाने जाना है ये कहना, मेरे दिल में ही तू ही रहना, तू ही खुशियाँ, तू ही दुनिया, मेरी आँखों में तेरा सपना। सुनी सुनी दुनिया, तेरे आने से है रोशन ये जहां, बिन तेरे कहीं न मुझको चैना, प्यास बुझाती है आकाश गंगा नैना, दिल में है खुशी कि संग तू है ना, लग रहा मुझे सितारों पे मैं उड़ रहा, फूलों में तेरी है खुशबू, चांद में तेरा ही जादू, सच है या कोई है ये सपना, मुझको तो यकीन कुछ भी आए ना। जाने जाना है ये कहना, मेरे दिल में तू ही रहना, तू ही खुशियाँ, तू ही दुनिया, मेरी आँखों में तेरा सपना। बहुत कम समय में हम कितने करीब आ गए ना। समीरा, मैं वो समीरा, तुमने कभी भी किसी से भी प्यार किया है क्या? हाँ? वो क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊँ, तुम कुछ बताओ ना। डायरेक्ट प्रपोज कर दो। अगर वो नहीं मानी तो? कोई चांस ही नहीं है, तुम तो सबको पसंद हो, तुम जैसा पति पाने वाली लड़की बहुत ही ज्यादा लकी होगी। मैं
है समीरा। क्या हम शादी कर सकते हैं? विल यू मैरिज मी प्लीज? डेट बता दो, मैं इंतजार करूंगा। मैं भी वही सोच रही हूँ। एक्चुअली मेरा फाइनल प्रोजेक्ट खत्म होने में अभी 6 महीने का टाइम बाकी है। अगर हमने अभी शादी की तो शादी के बाद वो ये मतलब ये कि तुम सुहागरात की बात कर रही हो? तुम उसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट के बाद प्रोग्राम रखते हैं, मगर हम शादी तो कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं प्लीज, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके अगर ये बात है तो थैंक यू सो मच। एक काम करते हैं, रजिस्टर मैरिज करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपकी मर्जी। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? ए, मैं तुम्हारी जोड़ी लाया हूँ, एंजॉय। तुझे समझ में आ गया होगा कि मुझे भी एक पार्टनर चाहिए। एनीवे, आई विश यू हैप्पी लाइफ। सजना सवर्णम, तेरे प्यार से है मेरा निखरना। तू ही है मेरे होठों का हंसना, दिल में धड़कनों का तू ही धड़कना। कैसे मैं कहूँ सरगम, तू नहीं जगाई है सनम। तेरी खुशबू से महका है मेरा तन मेरा मन, ये जीवन सजना। जाने जाना है ये कहना, मेरे दिल में ही तू ही रहना। तू ही खुशियाँ तू ही दुनिया, मेरी आँखों में तेरा सपना। संग रहता है जो तेरा, छट जाता हर अंधेरा। तू ही हम सफर है मेरा, दूर मुझसे तू न रहना। तू इस जहाँ की नूर परी है, तू ही मेरी है दुनिया। है तेरे लिए ही मेरा जीना, तेरे लिए ही मरना। जाने जाना है ये कहना, मेरे दिल में ही तू ही रहना। तू ही खुशियाँ तू ही दुनिया, मेरी आँखों में तेरा सपना।
बस बस रुको 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 रुको। भाभी ये हमारा नया अपार्टमेंट है यार, तूने जिससे प्यार किया उससे शादी किया, जॉब में प्रमोशन भी हो गया, तू ये फ्लैट खरीद ले, तेरा सब काम बन जाएगा। तू मेरे काम की बात कर रहा है या कमीशन की? क्या दलाली? अरे मैंने फ्रेंड के नाते इतना अच्छा फ्लैट दिखाया, राम ने सीता के ऊपर शक किया लेकिन हनुमान पर नहीं, क्या बोलती हो भाभी? सीता? ये सीता कौन है? मुझे नहीं मालूम। नमस्ते, आप कैसे हैं? आइए। हेलो मुरली, कैसे हो? ये मेरा फ्रेंड भरत। हाय हाय। ये भाभी जी, शी इज माय वाइफ। नमस्ते नमस्ते। हाँ चलिए 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 सर। कहाँ तक पहुँचा आपका कंस्ट्रक्शन? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू प्रताप जी, हम जाके देख लेते हैं। ओके सर। और अभी सीमेंट लाया क्या? जनवरी में जब तुझे अवार्ड मिलेगा तो तू सीधा लेकर यहाँ आ जाना। ये हमारा नया फ्लैट है। वाकई बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छा है। दाया पाँव, हाँ अरे बाया पाँव डाल दिया। ये हाल है बैठने के लिए, ठीक है अंदर आइए। ये किचन है जहाँ पर आप खाना बना सकती हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से। ये बेडरूम सोने के लिए, मैं बाथरूम देख के आता हूँ। लगा तो नहीं? ठीक हूँ। Sure you okay? अरे सॉरी सर, इससे पहले यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया हमें खुद नहीं पता। नो प्रॉब्लम, चलो। क्या मैडम, आप कभी भी अपने ख्यालों में खो जाती हो, आपको प्रेजेंट में भी रहना पड़ेगा। प्रेजेंट इज गॉड्स प्रेजेंटेशन, राइट? सुबह जो कुछ हुआ वो सोच रही हो, उसे भूल जाओ, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है, उसका ध्यान करके तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, किस करने का मन कर रहा है? पहले तुम दूर रह के डिस्टर्ब करती थी और अब पास आकर भी तुम ओके, खैर छोड़ो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुमने मुझे बताया नहीं। आप मुझे पसंद हो इसलिए तो मैंने आपसे शादी की है। ऐसे नहीं, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ओके ओके, क्या मैं सुंदर दिखता हूँ? अबव एवरेज, 10 में से 8। मेरी अच्छाई के बारे में बताओ। एकदम परफेक्ट, 10 में से 10। थैंक यू। मेरी बातचीत, सेंस ऑफ ह्यूमर? सो सो, जस्ट एवरेज, 10 में से 5। वेल, क्या मैं रोमांटिक हूँ? वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो जरा भी नहीं हो, 0 out of 10। मतलब मैं रोमांटिक नहीं हूँ? पता नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। मैं रोमांटिक नहीं हूँ, या ओके। आई लव यू, ये भी नहीं है। आई लव यू, ये भी रोमांटिक नहीं है। ओ गॉड, तेरे को मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं रोमांटिक नहीं हूँ। Thank you.
अरे बुलाओ यार, उसको जल्दी बुलाओ। अरे उस मैनेजर की एक नहीं चार चार दुकानें हैं, समझे? ओ भाई हाँ? हेलो, एक फोन करना है, थोड़ा बाहर आएंगे। अरे मुझसे इस एरिया में सभी डरते हैं, समझे? अर्जेंट कॉल है, थोड़ा समझो यार। चुप कर। हाँ हाँ मैं हूँ ना, तू डरना नहीं। ए, निकल बाहर, निकल, बाप का राज है क्या? चल निकल यहाँ से, भाग। भाई अभी अपने पास वक्त नहीं है। हाँ भाई, इस बार अपनी टारगेट मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, किसी भी सूरत में इस बार मिस नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ भाई, कोई भी बचना नहीं चाहिए भाई, और वो तो किसी भी हाल में नहीं। ठीक है। हाय, हेलो, वन सेकंड, हार्डवेयर इंजीनियर हैड कम, कैन आई सेंड हिम सर? ओके ओके सर, यू कैन गो सर। थैंक यू। सेकंड फ्लोर। व्हाट भरत, मैरिड लाइफ कैसी है? फाइन सर। आई नो, उस दिन मैंने आप दोनों को देखा था, यू आर मेड फॉर इच अदर, सी इज वेरी लकी गर्ल, तभी तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनी है वो। मुझे भी यही फील हुआ कि शी इज वेरी लकी फॉर मी सर। स्वीट सर। किस खुशी में? टुडे नवंबर 19 सर, स्टाफ और लेडीज स्वीट्स गिविन सर। ये इंग्लिश का भारता क्यों बना रहे हो? आज का दिन हमारा है सर। स्टूपिड, व्हाट डे टुडे? टुडे नवंबर 19 सर, इंटरनेशनल मेंस डे सर, तभी तो लेडीज ने स्वीट भिजवाया है। बट यू आर स्टिल ए बैचलर बॉय। सर, एवरीथिंग इज ओके। आपका प्रॉब्लम, मेरा मतलब आपका सिस्टम प्रॉब्लम ओके हो गया, आप चलेंगे सर? थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। भारत सर, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेडलाइंस फास्ट अप्रोचिंग, ये सब ऑन शेड्यूल है ना? आई एम रिलाइनिंग ऑन यू बॉय। यू आर वेल अहेड, डोंट वरी सर। गुड, थैंक यू सर। हेलो, अरे तू क्यों बीच में डिस्टर्ब करता है? चलो। हेलो, श्योर, ओके। हेलो, यस, या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या टेल मी। या टेल मी। ओ, वर्क इज डन। वर्क इज डन। या आई विल गेट बैक यू। सिस्टम ऑन करना है। या तू बॉस के सामने क्यों हंस रहा था? ओके, तू बॉस के सामने क्यों हंस रहा था? ओके ओके, यू टेल मी। सॉरी बोलो। या ए सॉरी बोलना। अबे जाना रे यार। हाँ बोलो। क्या ड्रामा करता है तू? ललन, क्या हुआ ललन? करन, ललन तू घबरा नहीं। करन, करन, मैं कुछ करता हूँ। ए सिक्योरिटी, ए अब ठीक है ना? अरे सब ठीक है यार। ये सब क्या हो रहा है? उस दिन वहाँ अपार्टमेंट में हुआ और आज यहाँ, अगर मैं स्विच ऑन करता तो क्या होता? ऐसा मत बोले यार, वो शौक तुम्हें न लग के मुझे लगा, इस बात की खुशी है मुझे दोस्त। ए तुझे याद है मैं बचपन में अनाथाश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था, तभी तूने मेरा हाथ पकड़ा था, तूने अपना खाना मुझे खिला के मुझे नया जीवन दिया, और उसके बाद जॉब दिला के मेरी मदद की, और आज फिर तुझको एक बात पता है, तू अपने आप को अनाथ महसूस करता है लेकिन मैं महसूस नहीं करता हूं, पता है क्यों? तू मेरे साथ है। अरे मैं मर जाता समझा क्या? डार्लिंग, देख के यार। लव यू। हाँ ओके, आई लव यू। देख समझ के। हेल्प मी।
प्लीज हेल्प मी. हाँ ओके डार्लिंग. हाँ बोलो. प्यार करने वाले से शादी करें तो जिंदगी खुश हो जाती है. तूने सही कहा. हाँ यस. समीरा के आने के बाद लाइफ चेंज हो गई. यस. समीरा मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर. यस यस. समीरा भाभी आपको असली जीवन साथी मिला. समझ गए भाई. डार्लिंग. बोलो डार्लिंग. मैं तुमसे एक बात पूछूं. मैं गलत नहीं समझूंगा. बोलो ना. तू गलत तो नहीं समझेगा ना. नहीं समझूंगा. बताओ बताओ. संभाल के जान भी जा सकती है. तेरा सुहाग रात कैसा था यार. एक्चुअली हम उसको वीडियो शूट करके दिखा नहीं सकते ना, इसलिए तुम बताओ, मैं उसे लिख लेता हूँ. ए पहले तू शादी कर, फिर सब पता चल जाएगा. शादी से पहले पता चले तो ज्यादा मजा आता है. बिल्कुल नहीं. शादी के बाद जानना तू. प्लीज. अच्छा कहो. ओके इमोशनल मैटर है. मैं तुझे बोलूं, दिल्ली से जब लौटेगा शादी होगी. अरे यार मैंने तो पहले ही शादी कर ली है. अरे तुम्हारी शादी नहीं यार, अपनी शादी की बात कर रहा हूँ. ओके मेरे दोस्त, मेरी शादी. अरे कराएंगे, जरूर कराएंगे. अभी चलो. ठीक है संभाल के. अरे अभी चलो. देखो देखो जरूर. हाँ कराएंगे, उसकी चिंता मत करो. कराएंगे ना, जरूर कराएंगे. चलो चलो. बहुत कंसंट्रेशन से प्रिंटिंग कर रही हो. माय फैशन शो. दिस इज द स्टेज, जजेस सीट, और यहाँ ऑडियंस. फिर मैं किधर रहूं? ये शो तो मेरा है. मगर मैं. तुम आओगे, तुम नहीं आ सकते वहाँ. तुम अपने काम पे ध्यान दो, वहाँ आके तुम क्या करोगे? इसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा. मुझे दो दिन से तुम पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है. देखो तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो. ये शक शादी के दो दिन बाद होना चाहिए, अभी नहीं. ए, तुम गंदे आदमी हो. क्यों? मैं पसंद नहीं हूँ? भरत तुमने पास होके भी तड़पाया है. मत आओ. शादी होगी फिर क्या? कॉफी. ओह थैंक यू.
समीरा, मैंने तुमको पूजा करते हुए नहीं देखा। भगवान पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, मैं अपने भगवान पर विश्वास करती हूँ। हाँ, वक्त में आ गया, बताओ तुमको क्या चाहिए। वक्त से पहले नहीं मांगूंगी, वक्त आने पर छीन लूंगी। ओके, ठीक है, एक बात कहूँ, कम से कम कॉफी कैसे ये तो पूछ लो। कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वैसे आज मेरा ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, आने में कुछ देर हो जाएगी। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे भी अपना बहुत सारा काम फिनिश करना है। ओके बाय बाय। के बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, मगर एक हफ्ते तक पूरा आराम करना पड़ेगा। बेड से नीचे भी मत उतरिएगा। ओके, टेक केयर। ओके। ठीक है मम्मी, ज्यादा चोट नहीं लगी है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ तुरंत आने की भी जरूरत नहीं है। ओके बाय। हे मैन, इधर चोट लगी है ना? हाथ जोड़ता हूँ, इसे हाथ मत लगा। उधर नहीं, इधर है। क्या हो गया? कल रात को 12 बजे। 12 बजे दीदी का सरप्राइज देने के लिए। क्या करने के लिए? हमारा रोमांटिक हीरो चोर की तरह बंगले में आया। चोर की तरह? दीदी का सरप्राइज देने के लिए हमारा रोमांटिक हीरो चोर की तरह बंगले में आया। अरे रे, ये रोमांटिक हीरो रात को 12 बजे अपने वाइफ को विश करने के चक्कर में पैर तोड़ लिया। अरे ये आइडिया तुम्हारा था या इस बच्चे का था? फकीरवाड़ी में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट होने के कारण पूरा शहर हिल गया है। पुलिस इंफॉर्मेशन के अनुसार इस ब्लास्ट में अभी तक 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें प्रेमी युवक और युवती थे, और 3 लोग घायल हो गए हैं। इस ब्लास्ट में आतंकवादियों का हाथ होने की काफी संभावना है। इस ब्लास्ट की इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के पकड़े जाने की खबर नहीं है, मगर बहुत ही जल्द इस ब्लास्ट का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि CBI इंक्वायरी कर रही है। ये सब क्या हो रहा है? छी, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अरे क्या हो रहा है इधर, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा करने से क्या इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी? CBI ऑफिसर खान को इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करो, कम ऑन क्विक। ओके सर, खान साहब
फोन फॉर यू। पहले खुदा लौट कर बात करते हैं। मिस्टर खान, व्हाट डू यू फील? आउटसाइड में बॉम्ब ब्लास्ट किया, दो की मौत, ये विषय कोई मामूली विषय नहीं लगता सर। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी सर। राइट, यू आर राइट मिस्टर खान। उसके कुछ पार्ट जो हमें मिले हैं उससे हम पता लगा ही लेंगे, उसके बाद कुछ कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। सो हर कदम पे हम लोगों को सावधानी से रहना होगा। आई विल डू माई बेस्ट सर। दैट वन थिंग, कीप इन योर माइंड, बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए और गुनेगार कभी नहीं बचना चाहिए। खान साहब, मुझे एक सिम कार्ड मिला है। सर, ये डेफिनेटली मोबाइल ब्लास्ट है। ऐसे ही ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के ब्लास्ट में मोबाइल रिंग हुआ था और उस रिंग से सर्किट क्लोज हुआ और ब्लास्ट हो गया। मगर इधर फोन रिसीव के बिना ब्लास्ट नहीं होता, फोन रिसीव करने पर ही ब्लास्ट होता है। इधर देखिए सर, वो लवर्स आ रहे हैं, बाहर से किसी ने फोन किया तो नीचे गिरे मोबाइल को उसने उठाया और फोन को रिसीव किया, इमीडिएट ब्लास्ट हो गया सर। सो ये ब्लास्ट रिंग बजने से नहीं बल्कि फोन रिसीव करने से ब्लास्ट होता है, यही बात है ना? एग्जैक्टली सर। रिंग करने वाले ने ब्लास्ट के आसपास ही खड़े होकर ऑपरेट किया होगा। 9 PM राइट सर। जिस रिपोर्टर ने ब्लास्ट शूट किया उस रिपोर्टर को बुलाइए। हां सर, बॉम्ब ब्लास्ट शूट करने वाले रिपोर्टर। जिस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहां पर आप क्या कर रहे थे, डिटेल्स में बताइए मुझे। सर, वो जगह लवर्स का अड्डा बन गया था, इसलिए मैं टीवी प्रोग्राम के लिए शूट करने गई थी। लवर्स को शूट करते समय अचानक ब्लास्ट हुआ जिसे मैंने कैमरे में कैद कर लिया। उसकी ये सीडी है। आउटफिट में लवर्स, इंटरनेट में सेक्स, कॉल सेंटर्स लव, छे, इसको छोड़कर हमारे देश में और कोई काम नहीं है क्या? एनीवे, आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। यू कैन कॉल ओके सर। सर, सर अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये टीवी चैनल्स वाले भी ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि आप पूछिए मत सर, ये मेरा शक है सर। आजकल हर जगह को लोगों ने लवर्स पॉइंट बना दिया है। अभी मैं पवई में हूँ जहाँ कई प्रेमी बैठे हैं। मैं एक जोड़े से इस बारे में पूछती हूँ, आप क्या करते हैं? MBA। क्या आपके प्यार को घर वाले मंजूर? घर वालों से क्या पूछना, हमें प्यार करना था, कर लिया। सुना आप लोगों ने, अब मैं दूसरे जोड़े से पूछती हूँ। हाय, देखा आपने, हर प्रेमी का अपना अपना तर्क है। सब प्रेमी अपने आप में खोए हुए हैं, किसी को अपने परिवार की परवाह नहीं है, सब अपने प्रेम की चाहत रखते हैं। सच है ना? ओह माय गॉड, माय गॉड, स्टॉप, रिवाइंड करो, क्विक, आगे, ओके, स्टॉप, वन सेकंड। रिवाइंड, स्टॉप, ज़ूम, ये देखो यहाँ भी एक कार खड़ी है, नोट द कार नंबर AP09M7891। ब्लास्ट होने के तुरंत बाद गाड़ी निकल पड़ी। जी, गो एंड फाइंड द डिटेल्स, फास्ट, कम ऑन, रन। सर, हम ब्लास्ट की सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यस खान साहब, ये रही गाड़ी की डिटेल्स। इसका नाम है भरत, फ्लैट नंबर 49 रोड, हाईलैंड पार्क, मुंबई। अगर इसका हाथ है तो ये बचेगा नहीं सर। भरत, भरत, कॉल मी। क्या आइटम है? हाँ जी, आपको क्या चाहिए? मुझे एक न्यू कनेक्शन चाहिए। जो चाहिए वो मिलेगा। आई मीन आइडिया सिम कार्ड चाहिए। हाँ, मैं अभी देता हूँ। अरे वर्जेश्वरी,
आइडिया सिम कार्ड जरा लाना। ओके सर। योर स्वीट नेम प्लीज। सोनिया। नोकिया। अरे ये तो मोबाइल मेरे जैसा है। व्हाट? अरे नोकिया नोकिया कनेक्टिंग पीपल। अरे तुम्हें भी मुबारक हो, कितना अच्छा मोबाइल है, हाथ भी गर्म है। पहले तुम्हारे पास क्या था? सर सिम कार्ड। अभी लो के देना था। ये लो। कितना हुआ? कोई कीमत नहीं, फ्री। ओ, तुम्हारा सिम कार्ड चालू हो तो फोन करना, मेरा नंबर है 9820012345। बाय नोकिया। क्या है? सिम कार्ड चाहिए? एड्रेस प्रूफ है? नहीं है। आईडी प्रूफ है? तो फिर नहीं मिलेगा, जाओ। मगर उस लड़की को तो दिया। लड़की को जो दिया वो तुझे भी दो, चल निकल। क्या आदमी है। व्हाट इज मोबाइल नंबर, करू क्या डायल नंबर, लगाऊ उसको नंबर। हेलो। यस। क्या चाहिए? मुझे सिम कार्ड चाहिए। कौन सी कंपनी का चाहिए? कोई भी कंपनी हो परवाह नहीं। हाँ। लेकिन फैंसी नंबर होना चाहिए, और हाँ 6 नंबर ज्यादा हो। ऐसा मिल जाएगा ना? बहुत खास लोगों को देता हूँ, इसे घर पे ही बनाता हूँ, बहुत सेक्सी है। हाँ? मैं भी सेक्सी हूँ। ये लो इसको रखो। थैंक यू। मेरा नंबर इसमें है, भूल मत जाना। लेकिन पहले प्रूफ तो दो। किस लिए? इसके लिए। वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैसी हसीनाओं के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। नॉटी बॉय। नो नोकिया बॉय कनेक्टिंग लेडी। तो हम चलिए क्या? गेस्ट हाउस जाकर बिरयानी खाएंगे, फिर खेल खेलेंगे, और क्या। मजा तो मुझे भी करना है, बिरयानी खाना है। आता हूँ मैं, आता हूँ मैं। तेरी लवर रोज इधर आती है, तुझसे मिलने या मुझसे मिलने? मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा प्यार स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग? बाप रे। Excuse me. मैं 1 घंटे में आता हूँ। गारंटी है आने की? तू एक काम कर, सोनिया को फोन कर, बाद में। सीबीआई ऑफिसर खान। प्लीज बैठिए सर। बैठिए सर। ये क्या एक्सीडेंट हो गया? नहीं, बाथरूम में गिरने से। कहाँ पर? घर पर। ओ आई सी। कब? परसों। परसों मतलब? 29th नाइट। हॉस्पिटल में तुम कब एडमिट हुए? 13 मॉर्निंग। मॉर्निंग 7 o'clock। मॉर्निंग 7 o'clock। हाँ, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की। देखो जमाना कितना डेवलप हो गया है, पहले तो चोरों को पकड़ने में 6 महीना लगता था, मगर अब कंप्लेंट से पहले, फ्यूचर में इंसिडेंट होने से पहले सीबीआई पहुंचेगी। कमिंग टू द पॉइंट, हॉस्पिटल में आपको किसने भर्ती कराया? माय वाइफ। आप कैसे आए? ऑटो से। ऑटो से क्यों? क्यों? कार तो आपके पास है ना, आप कार से क्यों नहीं आए? मेरी वाइफ को गाड़ी चलाने नहीं आती, और मैं तो। ये बात है, लेकिन उस समय आपने अपनी कार किसी को यूज करने के लिए दी थी? नहीं सर। आर यू श्योर? श्योर, बट सर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? पर्पस? नथिंग नथिंग, मैं जो जानना चाहता था शायद वो बाद में पता चले। सो कुल मिलाकर उस समय आपकी गाड़ी आपके घर पर थी, किसी ने यूज नहीं किया, यही कहना चाहते हैं ना? साइन प्लीज, साइन कीजिए। जो आपने कहा है वही है। क्या आप नशा भी करते हैं? नशा क्यों, क्या बात है? ओके ओके, आप भी विटनेस का साइन कीजिए प्लीज। कितने दिन का बेड रेस्ट है? आज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, और 8 दिन घर पर बेड रेस्ट करना है। आप तो सॉफ्टवेयर गाइज हैं, लकी पीपल, हॉस्पिटल में बैठे बैठे काम कर सकते हो। सी यू अगेन, बाय। सर ये कहता है
है कि इसकी गाड़ी घर पर थी? इसको नहीं पता इसकी गाड़ी वीडियो में शूट हो चुकी है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के समय ये और इसकी फैमिली हॉस्पिटल में थी, ये हॉस्पिटल का कंफर्म रिपोर्ट है। इसने कहा गाड़ी किसी को नहीं दी, फिर ब्लास्ट प्लेस पे इसकी गाड़ी कैसे पहुंची? वो क्या है ना, गाड़ी को पैर आ गया था। सर ये झूठ बोल रहा है, हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है सर। ये झूठ बोल रहा है, इसका फैसला हमें तुरंत नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी ने चोरी से गाड़ी को यूज किया हो, या ये ब्लास्ट शायद भरत ने खुद अपनी मर्जी से करवाया हो। जैसे तुम कह रहे हो कि भरत ने अपनी गाड़ी किसी को दी होगी, ये बात हमें नहीं बताई। मुझे पक्का यकीन है उस ब्लास्ट और उस गाड़ी के बीच में जरूर कोई ना कोई संबंध है। उसको अरेस्ट करके दो चार झापड़ मारेंगे तो सब उगल देगा सर। नो, हम ऐसा करेंगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन यही खत्म हो जाएगी। भरत और भरत से कनेक्टेड लोगों पर हमें नजर रखनी पड़ेगी, हर जगह उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे साथ नहीं, कभी कभी ऐसा किसी के भी साथ हो जाता है। बी केयरफुल जी। लेट्स गो। मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, फिर मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे थे? और बोल के गया सॉफ्टवेयर में काम करता है, यहाँ बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है। मैं समझा नहीं इसका मतलब। एक बात बता, वो स्पेशल मेरी गाड़ी के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि हॉरर सिनेमा, थ्रिलर सिनेमा किसी थिएटर में बैठ के देख रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। लेकिन बस डिस्कशंस बाद में, पहले दवाई ले लो। समीरा। हाँ, रुको, ये दवा है ना, इसे भी डॉक्टर ने दिन में दो बार खाने के लिए कहा है। हाँ, यही बात पूछनी थी, तुमने पूछी। हाँ मैंने पूछा, एवरीथिंग इज ओके। ओके। अरे तुझे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बातें भाभी को बताना जरूरी है क्या? भाभी परेशान हो जाएगी, उन्हें अवार्ड लेने के लिए तू उनको दिल्ली भेज दे, समझा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। अरे मैंने अरे फिर आ गई, अरे मत मारना, मत मारना। क्यों रे चक्का, क्या बकबक कर रहा है? हाँ, एक घंटे का आराम चाहिए। क्या कहा? तुझे आराम चाहिए? अरे बाप रे, सच बता, मत मारो। तूने किस किस को सिम कार्ड दिया? मैंने किस किस को सिम कार्ड दिया पता नहीं। नहीं पता तुझे? मुझे कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, अरे बाप रे, सच बता। मैंने कई लोगों का सिम कार्ड बेचा, बिल मैंने भरा, मगर उधर से कॉल भी नहीं आया। क्यों रे, सब स्विच ऑफ आ रहे हैं? नहीं, सबका चालू है। फिर SMS क्यों नहीं ट्राई करता? उसको भी जवाब नहीं आता। हाँ हाँ, एक काम करो। तुम्हारे मेमोरी कार्ड में जो जो सिम कार्ड लिया है उसका फोटो तो होगा, वो मुझे दो। मेरे सेल में मेमोरी कार्ड नहीं है बहन जी। तेरी तो मारो, क्या बहना, मुझ पे आपको रहम नहीं आ रहा क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया पिया हूँ, हलक सुख रहा है। ए भाई साहब, आप ही ने समझाओ ना। अरे बाप रे, तो और खतरनाक है, गंदी खाता है, फिर तो बहन जी अच्छी थी। इसने कुछ बताया? अभी तक मुँह नहीं खोला है। इसको उल्टा लटकाएंगे ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। ये बात दामाजी समीरा को नहीं बता सकेंगे, इसलिए आप ही ठीक है, बताता हूँ। ऑफिस में तेरी ज्यादा जरूरत है। वो सब तू संभाल ले यार। भाभी आ रही है, उनसे पूछो। रुक, पूछ। आर यू रेडी समीरा? नो। मेरी बात मानो समीरा। मैं नहीं जाऊंगी, नॉन नेगोशिएबल। ओके, फिर क्या करें? दिस इज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर ने कहा है कि 8 दिन बाहर मत निकलो। अब मैं कैसे जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चुप कर यार। भाभी आप तो जा सकती ना, इसका पोजीशन देख रही हो। मैं सोच रही हूँ, मगर मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी मुझे अवार्ड फंक्शन का कोई आइडिया नहीं है। मैं बता दूंगा ना। हम भी जाएंगे। अंकल के लिए हम है ना। लल्लन तुम भी तो जा सकते हो। क्या अंकल, आप भी इसी तरह की बात कर रहे हैं? ये क्या स्कूल फंक्शन है, कोई भी चला जाए? अवार्ड जिसका उसको जाना होता है, नहीं तो फैमिली मेंबर को जाना पड़ता है। भाभी आपको जाना ही पड़ेगा। सबकी राय यही, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। समीरा आपको कुछ नहीं पता, आप चुप रहिए। ये मेरी बात मानेगी क्या? प्लीज समीरा, तुम अगर मेरी जगह अवार्ड लोगी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। ये भी तो तुम्हारे पास आने की वजह से।
हे ललन, मेरी वजह से? ओके, मेरी वजह से, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज समीरा, प्लीज तुम जाओ ना। भाभी भाई प्लीज 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 समीरा प्लीज प्लीज भाभी नो प्लीज। हाँ तुम लोग बोलते रहो, प्लीज समीरा प्लीज प्लीज मान जाओ ना, क्लास छोड़ो प्लीज प्लीज। अगर छोड़ दिया तो ये लो छोड़ दिया। लेकिन मेरी एक शर्त बताओ। है, मेरे आने तक लल्लन आपके साथ रहेगा। ओह ये शर्त है, ये तो वैसे भी मुझे छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ा तो मैं इसे बहुत मारूंगा। डोंट वरी, वेल डन। ओके गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। लास्ट ईयर के भरत के लैंडलाइन और मोबाइल के इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की लिस्ट है सर, हैव यू लुक सर? आई सी। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? नो सर, बट रिसेंटली भरत और उसकी वाइफ सोनिया और फ्रेंड ललन पर किसी ने अटैक किया था। आई सी। यस सर। जिसने अटैक किया था उसका कुछ सुराग मिला? नो क्लू, बट एक छोटा सा डाउट है सर, किसी ने भरत का सहारा लेकर बॉम्ब ब्लास्ट कराया होगा, इस बात के ज्यादा चांसेस है सर। हाँ इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर। यू हैव डन ए गुड जॉब। थैंक यू। कीप इट अप। हम दोनों को तो हनीमून पर जाना था, मगर क्या करें अब तुम अकेले ही जा रही हो। आपकी ही वजह से ना? हाँ, वो डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बोला है, मगर अब तो दर्द भी नहीं हो रहा है। आपकी अच्छी एक्सरसाइज बॉडी है ना, फास्ट रिकवरी हो गई है लगता है। अगर आप ठीक हो गए हैं तो आप ही जाइए ना, मैं रुक जाती हूँ। नो नो, डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी, और वैसे भी तुम मुझसे अलग तो नहीं हो ना, तुम जाओ। ओके सो यू टेक केयर। हाँ सर, अपने भरत के बारे में जानना चाहते हैं क्या है सर? उस अनाथ आश्रम का क्या नाम है जहाँ से पले बड़े हो तुम लोग? नेताजी अनाथ आश्रम पंचगनी। That's right, मैं भूल गया था। थैंक यू सर। और क्या पूछना चाहते हैं? तू किधर चला गया? ए, वो सीबीआई ऑफिसर खान है ना, वो हमारे ऑफिस आया है कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, तेरे बारे में भी पूछ रहा था। खान ब्लास्ट में मेरा नाम, ऐसा कैसे? ठीक है तू तुरंत आ जा। ए क्या रे, एयरपोर्ट भी जाना है भाभी को छोड़ने के लिए? जरूरत नहीं है, सास ससुर गए हैं ना, तुम तुरंत आओ। नहीं यार मैं ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है चल, वक्त मिला तो जाऊंगा, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगा। ओके December 15th. Dial is currently switched off. Please try again. क्या हुआ इसको? हाँ समीरा, चेकिंग हो गई। ये बताओ उधर ललन आया है क्या? हाँ ओके ओके, मैं फोन पर ट्राई करता हूँ, फोन रखता हूँ। बाय समीरा, हैप्पी जर्नी।
हेलो डॉक्टर। हेलो, अब जरा चलिए। इट्स ऑल राइट, ओके बैठिए। ये बाथरूम में गिरे हैं, ये वैसा चोट नहीं है। रिपोर्ट से लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट भी बिल्कुल सही नहीं है। ये तो 2 वीक में ठीक होने वाला घाव था, मैक्सिमम 3 वीक। आई सी। आश्चर्य होने वाली बात तो ये है, ये जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें घाव ठीक नहीं हो रहा, बल्कि इनके घाव को नुकसान पहुंच रहा है। ही इज परफेक्टली ऑल राइट एज पर माई ऑब्जर्वेशन। हिज हॉस्पिटल रिपोर्ट्स आर टोटली रॉन्ग। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। हॉस्पिटल की रिपोर्ट को तुमने क्यों बदलवाया? मैंने बदलवाया? मुझे बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? मिस्टर भरत, आप मुझसे कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ओपनली मुझे साफ साफ बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सर, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की सर, मेरी बात मानिए। सो तुम हमसे सारी इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपना घर और ऑफिस छोड़कर कहीं और इन्वॉल्व नहीं होता। ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं, तुम सब जानते हो, बॉम्ब ब्लास्ट लोकेशन पर जब तुम्हारी कार खड़ी थी, तुम्हें तभी अरेस्ट करना था, मगर मैंने बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी गाड़ी कहाँ से आएगी? 30 दिसंबर को हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट। सर, उस समय तो मैं हॉस्पिटल में था। यस, हाँ, तूने हॉस्पिटल में रहकर बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान बनाया, 8 हफ्ते का रेस्ट चाहिए ऐसा कहकर रिपोर्ट क्रिएट किया और दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल करवाया। दिल्ली ना जाने के लिए ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं ऐसा और भला क्यों छोड़ूंगा? इसी बात पे तो मुझे शक है। मिस्टर भरत, दिल्ली जाना छोड़ के तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? इधर क्या करने वाले हो? तुम्हारा प्लान क्या है? सर, अब लग रहा है आपके इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। सर, आप जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी बैड सर। डोंट एक्ट टू स्मार्ट। अगर तुम्हारा वो मकसद नहीं है तो फिर ये क्या है? ये क्या है बताओ? हाँ, तुमको चोट लगी थी December 29 नाइट, लेकिन तुमने December 15 को ये लेटर तुमने दिल्ली भेज दिया। बताओ क्यों भेजा? मुझे चोट लगी है इस वजह से मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। मेरी जगह ये अवार्ड लेने के लिए इंसिस्ट ऑफ मी मेरी वाइफ आएगी, ऐसा लेटर तुमने भेजा। मतलब तुमको 29 तारीख को चोट लगेगी, ये बात तुम्हें पहले ही पता लग गई थी, इसलिए तुमने 15 तारीख को ही लेटर भेज दिया। आओ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी जगह किसी और को भेजने के लिए कम से कम 8 हफ्ते तो लगाएगा ही ना। बहुत शाना समझता है अपने आप को ये। Will you stop it? ये लेटर मैंने नहीं भेजा। By the way, ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। ऊंची आवाज में बोलने से तुम झूठ को सच में बदल नहीं सकते भरत। सर, और ज्यादा दिन तू हमसे बच नहीं पाएगा। सर, 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 मेरे... रिकॉर्ड स्टेटमेंट। सर, मैं सच सर, मैंने बताया ना आपको। योग, चल 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 परेशान, चल सर, चल। Thank you.
भरत, तुम्हारा दोस्त कैसे मरा पता है? उसका किसी ने खून कर दिया है। अभी भी वक्त है, तुम सच बता दो भरत तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो हमारा पुलिस ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक होता है मिस्टर भरत, सो आई वॉर्न यू। सर, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मैं और मेरी वाइफ और फ्रेंड के सिवा मेरा कोई भी नहीं है सर। मेरा फ्रेंड मर गया, कम से कम मेरी वाइफ को बचा लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली जगह पर भरत की गाड़ी होना और उसका इस तरह घायल होना, लल्लन की मौत, इसमें कहीं ना कहीं एक लिंक मिस हो रही है। लेकिन पुलिस फोर्स को अपनी जान पर खेलकर भरत ने बचाया था, कहीं हम गलती से तो भरत को मुजरिम समझकर कहीं फंसा तो नहीं रहे हैं ना सर? मेरे हिसाब से अच्छा और बुरा इंसान कोई नहीं होता, हालात उसे बना दे। उस दिन, उस समय, उस हालात में उसने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम था, लेकिन वो सारी जिंदगी एक अच्छा इंसान बनकर रहे इसकी गारंटी नहीं। ऐसी बात नहीं है, उस दिन जो हुआ था उसमें उसका भी हाथ हो सकता है, उस पर कोई शक ना करे इसलिए उसने पुलिस को बचाया होगा। मगर अब हम क्या करें? FIR फाइल बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं ना? हमारा शक पक्का है मगर सबूत नहीं है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सबूत कैसे नहीं है सर? बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर उसकी कार, हॉस्पिटल की रॉन्ग रिपोर्ट और वो दिल्ली फैक्स भेजना। तुम ब्रांडी पी रहे हो पानी मिलाकर, रेशमा विस्की पी रही है पानी मिलाकर, और कोई कहीं रम पी रहा होगा इसी तरह पानी मिलाकर, लेकिन सारी ड्रिंक्स में पानी तो है ना, और सब में नशा भी चढ़ता है। इसका मतलब उस पानी से नशा नहीं चढ़ता है ना, वैसे ही सारे इंसिडेंट्स में भरत सिर्फ दिख रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है। हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते, ऑफकोर्स वो क्रिमिनल हो भी सकता है। ये तो बताइए सर कि भरत अल्कोहल जैसा जहरी है या पानी की तरह शुद्ध है सर? वो बात अभी समझ में नहीं आ रही है। अंकल। फातिमा जी, क्या बात है? प्लीज अंकल, प्लीज उन्हें बचा लीजिए, हमारे भरत अंकल को छोड़ दीजिए, जो प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज अंकल हमारे भरत अंकल को छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, चॉकलेट ले लीजिए लेकिन उन्हें छोड़ दीजिए, हमारे भरत अंकल को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज लो यस। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम उससे फोन पर टच में रहो, हमारी टीम को इन्फॉर्म करो, मेरे आए तक उस पर अटैक मत करना। देखिए जी, संभल कर जाइएगा। डोंट वरी, सब ठीक होगा, अल्लाह ने रास्ता दिखाया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मिस्टर भरत, हम कहाँ जा रहे हैं इस बात का पता है आपको? हेलो सर, भरत के वाइफ के पेरेंट्स यहाँ पर मस्जिद में आए हुए हैं सर, ससुर अंदर जाने वाले हैं और बाहर स्कूटर के पास सास खड़ी है। लेकिन सर, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से भरत और उसकी वाइफ तो हिंदू फैमिली से है ना?
बी केयरफुल. ओके खान साहब. जी खान साहब, मैं अंदर आ चुका हूँ. या इसको कैसे चलाते हैं पता है तुम्हें? कुछ हम सीखते हैं और कुछ हालात सिखा देते हैं, मगर मैं तुम्हें इस तरह शूट करूं तो बचने का कोई चांस नहीं. Go back to the prison. Go back. Check the power cord. Break the fridge. मस्जिद में इतनी भीड़ हो चुकी है कि मैं समीरा के पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पा रही हूँ. बताता हूँ सर, हमें आतंकवादियों ने धमकी दी है कि मेरी बेटी और दामाद को जान से मार देंगे. अब हम क्या करें सर? हम बहुत डर गए थे, समझ में नहीं आया कि क्या करें. अपने बेटी और दामाद को बचाने के लिए हम मंदिर और मस्जिद भी गए, मगर उनकी बातों से मुझे पता चला है कि कल सीएम की मीटिंग में ब्लास्ट होने वाला है. सर भरोसा कीजिए, सर भरोसा कीजिए, मैं ठीक कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ सर, भरोसा कीजिए. हेलो, एक्सक्यूज मी सर. सर सोनिया की माँ उस गोली से नहीं बल्कि साइनाइड से मरी है. Yeah.
क्या हुआ सर? वो लोग मिल गए? कौन है तू? बताता हूँ सर। मैंने पूछा कौन है तू? बता, बता। इस दुनिया में पैदा होकर कीड़े मकोड़ों की तरह जीने से अच्छा है कुछ करके दिखाओ, ताकि लोग तुम्हें पहचानें कि तुम कौन हो। नादिया अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रही है, बहुत टैलेंटेड लड़की है। खालिद एक उग्रवादी है। नादिया और खालिद एक दूसरे से प्यार करते थे। खालिद नादिया से शादी करना चाहता था, और जब नादिया खालिद का एंगेजमेंट था, मुंबई के अंदर ब्लास्ट करने के बाद खालिद एंगेजमेंट में पहुंचने वाला था, मगर उस दिन खालिद तो नहीं पहुंचा, मगर खालिद की लाश आई। नादिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमारी किस्मत में जीना लिखा है तो अल्लाह हमें ज़रूर बचाएगा, हमारा मरना लिखा है तो तुरंत अल्लाह हमें मार देगा। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए ज़िंदा रखा क्योंकि जो काम मैं करना चाहता था अब वो तुम करोगी। भारत में हमारी तरह कई मुसलमान हैं जिनकी वहाँ के लोग कद्र नहीं करते। हमें उन मुसलमानों को उनका हक दिलाना है, उनका साथ देना है। एक दिन टीवी पे भरत का इंटरव्यू सुना। रिपब्लिक डे का दिन चुना है और राष्ट्रपति के हाथों से ये आपको पुरस्कार मिलने वाला है, शायद आपको पता होगा। कंग्रेच। ओह थैंक यू। ये अवार्ड आपको मिला, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इंटरव्यू देखकर उसके दिमाग में एक योजना आ गई। उसने तुरंत भरत के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। इस योजना को उसने आतंकवादियों को बताया। अगर इस लड़ाई में तुम मारी गई तो अल्लाह की रजा तुम्हें हासिल होगी और तुम शहीद कहलाओगी, लेकिन एक साल तक अगर तुम किसी हिंदू के साथ रहोगी तो तुम सच्ची मुसलमान नहीं रहोगी, और जो मुसलमान नहीं रहता हम उसे इस सरजमीं पर जिंदा रहने नहीं देते। नादिया खालिद की तमन्ना को पूरा करने के लिए खुद खालिद बन गई। नादिया इंडिया पहुंची और 2 महीने तक भरत की पूरी जानकारी हासिल की, भरत से पहचान भी बना ली और अपनी नापाक इरादों के लिए भरत से शादी भी कर ली। उसका उद्देश्य भरत की जगह खुद दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से अवार्ड लेना था। दिल्ली जाने के लिए उसे भरत को मारना था, इसलिए उसने 2 बार भरत पर अटैक करवाया। तीसरी बार उसने खुद कोशिश की उसे मारने की। इस बार भरत हॉस्पिटलाइज हुआ। अब वो दिल्ली नहीं जा सकता था, इसलिए भरत ने खुद नादिया को दिल्ली भेजा। प्लान के मुताबिक नादिया दिल्ली पहुंच गई है। क्या प्लान बनाया बिड़ो? अभी तक तुम लोगों ने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और हमारे देश के राजनेताओं को आधार बनाकर हमारे देश को टारगेट किया, और अब सीधा सीधा हमारे राष्ट्रपति तक पहुँचना चाह रहे हो तुम लोग। लेकिन
तुम चाहे जितने भी प्लान बना लो, हमारे देश का कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मगर ललन को क्यों? अब तक आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, आज से आप दोनों का काम खत्म होता है। 26 की मॉर्निंग आप दोनों हाइडिंग में चले जाइए, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करना कि हमारा मिशन कामयाब हो जाए और हमारे वतन खुशखबरी पहुँचे। समीरा फोन। हाय भारत। समीरा चेकिंग हो गई? भाभी। अब तक तो नहीं हुई, मैं जा रही हूँ। ये बताओ उधर ललन आया क्या? नहीं वो तो नहीं आया, तुम्हारे पास रहने का उसने प्रॉमिस किया था मुझसे, कहीं घूम रहा होगा वो। ओके ओके, मैं ट्राई करता हूँ उसके फोन पर। ओके बाय समीरा। ओके फाइन, बाय, लव यू, टेक केयर। सर, भरत कंट्रोल है सर। भरत छोड़ो से, भरत कंट्रोल, 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 भरत। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया? नहीं पता। मतलब राष्ट्रपति को मोबाइल बॉम्ब के थ्रू ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे हो क्या? बोला ना नहीं पता। सच सच बता। इतना बताए, अगर ये पता होता तो नहीं बताता, मैं सच में नहीं जानता। वो किस तरह प्रेसिडेंट को मारेगी, सच कहूं ये सब मैं नहीं जानता, मगर वो मारेगी जरूर, नहीं छोड़ेगी। सर मेरी बात मानिए सर, इट्स 100% बिलीवेबल इंफॉर्मेशन सर। यस सर, सर, ओके सर। डैम, हम उनको कितना भी कन्विंस करें वो नहीं मानेंगे, अब इतने कम समय में समीरा को कैसे रोके? सर हम तो सीबीआई के हैं, फिर वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? ये एमएलए फंक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शन है। हम क्या, हमारे बड़े ऑफिसर्स भी कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे? अगर जरूरत है तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ये बोल रहे हैं। अब हम क्या करें सर, सिर्फ 6 घंटे ही बचे हैं। सारे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को मैसेज पास कर चुका हूँ, अब खुद भी जाकर कन्विंस करते हैं, लेट्स गो। सर मैं भी चलूंगा सर। मुझे माइंड रीडिंग आती है। तुम अपना काम करो, वहां आके तुम क्या करोगे? मैं अपने भगवान को मानती हूँ, वक्त आएगा तो मैं मांगूंगी नहीं, छीन लूंगी। बाय, लव यू, टेक केयर। ये कुर्बानी तुम्हारे लिए नहीं है नादिया, और ना ही मेरे लिए है। ये कुर्बानी मुस्लिम समाज के लिए है नादिया, अल्लाह के लिए है। इसमें जीत हमारी होनी चाहिए। हम कौन है नादिया, ये दुनिया को बताना जरूरी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नादिया, जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए नादिया, जीत हमारी होनी चाहिए। जीत हमारी होगी नादिया, मैं इस जीत के इंतजार में हूँ, इस जीत के इंतजार में हूँ नादिया। Yeah.
ऑफिसर खान फ्रॉम मुंबई। हेलो सर, मुझे आपका मैसेज मिला। मैंने सारी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए लगा दी है। 5 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। बट वी हैव द एविडेंस। लोगों को कन्विंस कर रहे हैं सर। शो स्टार्ट हो चुका है सर, कुछ नहीं किया जा सकता। डैम इट, स्टॉप हरासिंग। I'm sorry, officer. Instead of her, you can send the actual candidate out there, Mr. Bharat. मैं जानता हूँ कि सर आपको नियम पता है। Last time check करेंगे, उसके बाद नहीं। I know that. I think, okay, we go for one last check. I got it. मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी है। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, आप जा सकते हैं प्लीज। एंड दिस अवार्ड गोज टू मिस्टर जगदीश फ्रॉम मुंबई। ही रेस्क्यूड 26 पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री ड्यूरिंग फायर एक्सीडेंट। She has rescued 2 children came drowning in the river water. We all give wishes to PD Arti for her bravery. पर रुक जाना, वहां एक आदमी तुमको एक बॉम्ब घड़ी लाकर देगा। 2 स्टेप आगे जाने के बाद जैसे ही तुम्हारी उस घड़ी की रिंग बजेगी, जैसे ही कॉल एक्सेप्ट करोगी, नेक्स्ट अवार्ड इज गोइंग कैंडिडेट टू मिसेस समीरा भरत फ्रॉम आंध्र प्रदेश। शी रिप्रेजेंट हर हस्बैंड भरत। He goes rescued 90 police force from terrorist attack. आज हर आदमी, हर देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हर देश में अच्छे लोग के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से अपने मंसूबे को पाने की कोशिश करते हैं, जिनको आतंकवादी बनने तक में परहेज नहीं है और उनको
दूसरे की जान लेने में भी कुछ परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी जान बेच चुके होते हैं। ऐसे लोगों को आज समझाने की जरूरत है कि जिनकी वो जान लेते हैं उनके घर में उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जो उनकी गलत नीति का शिकार हुए हैं। इस आतंकवाद को रोकना आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, मगर हर वो चीज़ जो पैदा हुई है उसे मिटाना है, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो। हमारे देश को बचाने के लिए हमारी मिलिट्री व्यवस्था हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन आज चाहिए कि इस देश के हर इंसान को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। तो आओ हम कसम खाते हैं, हम सब मिलकर इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम अपने देश की एकता और अखंडता पर आंच नहीं आने देंगे। आओ हम मिलकर एक आम आदमी की रक्षा करें और वो आम आदमी हमारे देश की रक्षा करेंगे। आओ हाथ से हाथ मिलाकर सारी दुनिया को एक करेंगे। सत्यमेव जयते, जय हिंद।